बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो दोपहर भी हो गई है और हवा ठंडी ठंडी शुमाल की जानब चल रही है, पानी भी चल रहा है खाल में सीधा। और आज ये जो शुमाल साइड की हवा है ये अपने साथ धुंध भी ला रही है, मज़ीद धुंध बढ़ने का इम्कान है। आप देख सकते हैं सूरज सर पे है लेकिन पूरी रोशनी ज़मीन पे नहीं डाल रहा। तो आज स्पेशली दोपहर को हम बना रहे हैं एक ख़ास चीज़। सब आज जुमा भी है, जुमा सबको मुबारक। तो जुमा को तो अभी देर है, तकरीबन 3 घंटा भी 11 बजे का टाइम है। तो चलते हैं सीधा बच्चों के पास। तो ये देखिए दोनों शहजादे भी बैठे हैं, बेगम साहब भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज रंगीन रंगीन सामान है, बैटरी भी बाहर ले आए हैं, मशीन भी बाहर ले आए हैं। तो आप समझ गए होंगे बना रहे हैं जूस और पहली बार गाजर का जूस बन रहा है जिधर। और हमारे पास किन्नू माल्टे भी हैं और ये भी थोड़े थोड़े शामिल करेंगे। और ये एक नमक होता है, हर चीज़ को लगा के दुकानदार देते हैं, अमरूद हो, सेब हो, माल्टा हो। तो ये भी टेस्ट के लिए थोड़ा सा चेक करेंगे। तो 5 किलो गाजर है हमारे पास स्पेशली। बेगम साहब इसको साफ़ कर रही हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आपको मुकम्मल नज़ारे नज़र आएंगे। और बच्चे ये स्पेशली इन दोनों की फरमाइश पर आज बना रहे हैं हम कि गाजर का जूस हम घर में बना के आज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा किन्नू माल्टे साकिब के साथ अभी तक मैंने तो नहीं खाया, आपने खाया है? ये पक्के पक्के, ये पक्का नहीं है, ये बड़े वाला अभी मौसम नहीं है। हाँ अभी मौसम नहीं है, खट्टे होंगे अभी। हम तो टेस्ट के लिए शामिल करेंगे जूस में, लेकिन अभी हाँ ये कोहरा आएगा तो मीठा होगा, ये बात भी है। कोहरा आएगा तो मीठा होगा, इनको मुकम्मल साफ करें। ये मैंने साफ कर लिए हैं, ये थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे साथ में टेस्ट के लिए। और बाकी ये बच्चे खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये गजरेला भी साथ बन रहा है, ये देखिए। ये साफ करेंगे साथ साथ ताकि और हम जूस बना सकें, क्योंकि इसका बाकी मैम मशीनें मैंने देखी हैं तो इधर से वो उसका भूसा भी निकलता जाता है, लेकिन ये जो है ना बंद है, पुराना मॉडल है ये। इसको साफ करके
दोबारा लगा। हसबे जायका ये इसमें डालेंगे नमक, लो जी मुंडे हो तैयार हो गया। गाजर का जूस ये बिस्मिल्लाह सरदार साहब छोटे को दे। आगे आ जाए। अच्छा उधर ही पहुंचा देते हैं आपको ये। थोड़ा सा। अच्छा ये एक गिलास भी काफी है ऐसे समझ लें। अभी गाजर जो है ना वो हार्ट है, कड़वा होगा थोड़ा, मैंने टेस्ट किया है इसलिए नमक डाला है जायका चेंज करने के लिए। पियो बिस्मिल्लाह कर। नहीं इतना भी नहीं है लेकिन ज़बरदस्त बना है और थोड़ी कड़वाहट गाजर में होती है। किधर भी आप जाएंगे जूस गाजर का बनवाएंगे तो इतनी होती है। चारा जानवरों ने मेरे ख्याल में खा लिया है। अब थोड़ी देर में डॉगी भी आ गया है। बच्चे खेलकूद में मसरूफ हैं और बाहर का मौसम देखते हैं, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। ये रात को बड़ी राखी करता है, सारी रात इधर ही बैठा रहता है ये गोबर के ऊपर या अपना दरख्त के नीचे। और सूरज जो है ना वो ज़मीन की तरफ जाता हुआ थोड़ा सा बाकी है। आज सारा दिन हवा चलती रही और धुंध भी बनती रही। उम्मीद है कि रात ज़्यादा धुंध बनेगी क्योंकि ये साइड से हवा आ रही है शुमाल साइड से। तो हमारा आज का व्लॉग इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। हमने गाजर का स्पेशली जूस बनाया। तो मैं आप सबके लिए दुआ को हूँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ दूर करे।
और मजदूर भाई अल्लाह ताला ने भी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। दोबारा इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।